अभी हम लोग यहाँ पे सोर NWA 2021 के फेस्टिवल में आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे राइड है, बहुत सारे किड्स एक्टिविटीज़ है। तो अभी हम चलते हैं और एंजॉय करते हैं आज का इवनिंग। तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन ही परचेस कर ली थी और अब हम यहाँ से एंट्री लेंगे। तो हमने एंट्री ले ली है और हमने ऐसे बैंड भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे फूड ट्रक भी थे और यहाँ से काफ़ी कुछ मिल रहा था खाने के लिए। तो हम सबसे पहले जाने वाले हैं एयर म्यूज़ियम। तो ये है एयर म्यूज़ियम और यहाँ पे हमको अच्छे अच्छे फाइटर प्लेन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक फाइटर प्लेन खड़ी है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये कैसा होता है अंदर से। तो हम आ गए हैं फ्लाइट के अंदर और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फ्लोर पे काफ़ी हुक बना हुआ है। मुझे लगता है इससे शोल्डर्स खुद को सिक्योर करते होंगे जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करता होगा। और इसमें बाकी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब चलिए चलते हैं कॉकपिट की तरफ और देखते हैं वहाँ से क्या व्यू दिखता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे बटन्स हैं, काफ़ी तरह का बटन है यहाँ पे और शायद ही हम जैसे नॉर्मल पीपल्स को ये समझ में आएगा। तो और कंफ्यूज नहीं होते हैं, अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पे लोग कुछ स्काई डाइविंग करते हुए भी नजर आए हमें। एंड दिस वन वाज माय फेवरेट। इतना उसको मजा आ रहा था देखने में कि बस आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। तो चलते हैं अब दूसरे एक्टिविटी की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी था। ये छोटा सा सर्कल लगवा रहे थे और उसका कुछ $40 चार्ज था। हम आए थे क्या बोलते थे यार उसको? नहीं नहीं, होटल बलून के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई अत्ता पत्ता नहीं दिख रहा। पता नहीं वो लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ विंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी विंड ही बहुत है यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम होप तो कर रहे हैं कि हमें एक बार चांस मिले करने के लिए, बट देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दे आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन एक्टिविटी व्हिच वाज द हॉट एयर बलून। और ये है उसका बास्केट जिसमें हम बैठेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो लोग बलून को कैसे ब्लो करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने इस बलून को ग्राउंड में पूरा फैला दिया है और ये जो फैन आप देख रहे हैं बस इससे ये लोग हवा उसके अंदर देने वाले हैं। इस काम को करने के लिए आपको चाहिए टीम वर्क एंड हार्ड वर्क। काफ़ी मेहनत का काम है जैसे कि आप देख सकते हैं। 30 मिनट लग गया था इस एक बलून को ब्लो करने के लिए। और जैसे कि आप ये रेड कैप वाले को देख सकते हैं किस तरह वो अंदर जा जाके उसको पूरा बलून को वो अरेंज करते जा रहे हैं ताकि उसके अंदर हवा पूरे अच्छे से जा सके। ओ गॉड, अब ये इसके अंदर भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मेन एफर्ट दिख रहा है क्योंकि सब बलून को सीधा करने में लगे हुए हैं। और देखिए बास्केट को पकड़ के किस तरह सब उसको पुश कर रहे हैं ताकि वो ऊपर की तरफ हो जाए। सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस देखने का कि बलून को एक्चुअल में वो लोग कैसे रेडी करते हैं। और आई होप कि आपने भी पहली बार देखा होगा, मे बी आपने दूसरी जगह भी कहीं पर देखा होगा या फिर आपने लाइव भी देखा होगा, बट दिस वॉज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अभी हम करेंगे बलून राइड थोड़ी देर में
वेल राइड स्टार्ट होने में काफ़ी लेट हो गया था, शाम के 8 बज चुके थे। सो हमने टिकट परचेस नहीं की क्योंकि काफ़ी रश था, और अगर हम टिकट ले भी लेते तो शायद हमारा नंबर जो है रात के 11-12 बजे आता। सो अनफॉर्चुनेटली हमने राइड नहीं करी इस बार, और मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो लोग जो है बलून को लेके जा रहे थे। सो दिस वॉज द मैक्सिमम हाइट जहाँ तक बलून को वो लोग लेके जा रहे थे। एंड आई विश कि जब भी अगली बार ये फेस्टिवल होगा हम लोग इस राइड में पक्का से भाग लेंगे, चाहे जितने भी ऊपर क्यों ना जाए, और हम एंजॉय करेंगे। और अभी होने वाला है म्यूजिकल बलून डांस, तो जस्ट कीप वॉचिंग और देखिए ये बलून अभी कैसे डांस करने वाले हैं म्यूजिक पे। तो आज की वीडियो की जर्नी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा और कुछ नया देखा होगा आज के वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें इसको, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।